कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही ऐसे हैं जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। उनको नहीं ऐसा कोई नेता चाहिए जो कि प्रखर हो, तेज तर्रार हो, जो उनके नेतृत्व को चुनौती दे सकता हो। कन्हैया कुमार जीते हारे अलग बात है, पर जहां बोलते हैं वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा होती। उन्हें सीमांचल, कोसी, जहां कहीं भी गए हैं बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, इन सब जगहों पर पप्पू यादव जाते हैं तो बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस को अपने इन दो नेताओं को इस्टैब्लिश करने में दिक्कत क्या आ रही है? क्या आरजेडी का रेजिस्टेंस दिक्कत है? क्या कांग्रेस आरजेडी के बगैर चल नहीं सकती है? कांग्रेस में सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव है, या जैसा संजीव पांडे जी कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में चुनाव से ठीक पहले ऐसा ना हो जाए इसलिए कांग्रेस मजबूर है? नहीं देखिए, लार्जर इंटरेस्ट वाली बात नहीं है। जैसे कि अभी संजय सर ने भी कहा कि कांग्रेस की सीटें जो भी मिली हुई है उस पर घोषणा नहीं हो रही है। अभी हमने चर्चा में भी कहा था कि लालू प्रसाद ही फैक्टर हैं। कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, क्या होगा उनका, ये लालू प्रसाद के ही सहमति से निर्भर करेगा। और लालू प्रसाद कभी नहीं चाहेंगे कि कन्हैया कुमार की बिहार के सियासत में एंट्री हो। अगर उनकी एंट्री होती है, एक काल्पनिक बात हम कर रहे हैं, अगर उनकी एंट्री होती है, कांग्रेस ने उनको कहीं से चुनाव लड़ाया, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस आगे की सोच रही है कि विधानसभा चुनाव हमको फिर अब अलग अलग लड़ना है, हम लोग साथ साथ नहीं लड़ेंगे। देखिए, अखिलेश सिंह के बारे में आपने जो कहा कि एक असुरक्षा का भाव उनको, पप्पू यादव का वो विरोध कर रहे हैं कि पप्पू यादव को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, कन्हैया कुमार को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको अपने अध्यक्ष पद पर खतरा नजर आता है। देखिए, आज एक चर्चा पटना में ये भी थी कि पप्पू यादव को ये भी कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस की बात मानिए, आपको हम अगला कांग्रेस अध्यक्ष बनाएंगे और विधानसभा का जो चुनाव होगा वो आप ही के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, आप ही प्रदेश का सब चीज देखिएगा। एक चर्चा ये भी है, चर्चा के लेवल पर हम बात बता रहे हैं, सच्चाई क्या है वो आगे पता चलेगी, लेकिन एक चर्चा पटना में ये भी है कि पप्पू यादव को ये भरोसा भी दिलाया जा रहा है कि आप कांग्रेस की बात फिलहाल मानिए और आगे आपके लिए बहुत सारा रास्ता खुला हुआ है। तो अखिलेश सिंह को ये भी लगता है कि भाई कैसे एंट्री दे दें तो हमारे ही कुर्सी चली जाएगी, उनके बेटे के टिकट का सवाल है, वो अभी फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं से अखिलेश सिंह को लगता है कि लालू जी को साथ लेके हम अपने बेटे का टिकट ले लें और लालू के मदद से अपने बेटे को संसद में पहुंचा दें, चाहे वो सीट बेतिया हो चाहे वो सीट महाराजगंज की हो। तो वो अपनी लाइन पे चल रहे हैं, पार्टी के लाइन का कितना हित कर रहे हैं ये तो पता चल रहा है जो कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो रहा है। कमाल है, अखिलेश सिंह अपने बेटे को कहां कहां से लड़ाएंगे? पूर्वी चंपारण में उनका नाम आ रहा है, मुजफ्फरपुर में उनका नाम आ रहा है, भागलपुर में उनका नाम आ रहा है, खुद प्रदेश अध्यक्ष है। ये कांग्रेस पार्टी है, ये पिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये कमाल की बात है, पार्टी कहीं भी जाए लेकिन मेरा बेटा चुनाव उतरे, चुनाव चुनावी मैदान में हो। अब जरा तुलना कर लीजिए, एक तरफ आकाश आनंद, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, एक तरफ आकाश आनंद, पप्पू यादव। अगर कोई पार्टी ये भी नहीं देख पा रही है तो उस पार्टी का भला कैसे होगा? ये सवाल उठ रहा है। इसका मतलब साफ है कि इन राज्यों में ये पार्टी परजीवी ही बनी रहना चाहती है, सहजीवी नहीं बनना चाहती है कि तुम मेरे भरोसे, हम तुम्हारे भरोसे, नहीं हम तुम्हारे ही भरोसे जिएंगे, ऐसी स्थिति बनी रहे। और ये तो लालू यादव की पॉलिटिक्स को सूट करता है। बड़ा सवाल ये है, इससे बेहतर स्थिति लालू यादव के लिए क्या हो सकता है? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए संजीव पांडे जी कि पप्पू यादव की स्वीकार्यता मुसलमानों में भी है, कन्हैया कुमार की स्वीकार्यता मुसलमानों में भी है। जो कांग्रेस ये सोचती है कि अगड़ा, दलित, पिछड़े का एक और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन बना के हमारा रिवाइवल हो सकता है, ये संभव है, उस कांग्रेस को एक कदम भी नहीं बढ़ने दिया जाए और कांग्रेस कुछ नहीं करे तो उसका लार्जर इंटरेस्ट क्या है? मैं तो कई बार यही सोचता हूं कि कांग्रेस की असली लड़ाई बीजेपी से नहीं, उन तमाम क्षेत्रीय दलों से है जो कांग्रेस के कॉस्ट पर सत्ता में हैं और वो लगातार चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में रहे, जिसका डर दिखा करके हम मुसलमानों का वोट लेते रहे।
कांग्रेस के जो परजीवी होने की बात करी, कांग्रेस तो परजीवी उसी समय हो गई थी जब कई राज्यों में कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के दफ्तरों में ताला लग गया। प्रदेश कांग्रेस में कार्यालय चलाने के बजाय क्षत्रपों के घरों से कांग्रेस कार्यालय चलने लगे। और ये स्थिति कांग्रेस की आ गई कि बिजली का बिल जमा करने के लिए जो कांग्रेस के नेता होते थे दिल्ली 10-10 दिन बैठे रहते थे कि बोरा साहब उनको चेक काट के दे। तो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा जो पिछले 30 सालों में वीक हुआ, और वीक होने के बाद जिस ढंग से आपने देखा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने अपने संगठनात्मक ढांचे को कैसे स्ट्रॉन्ग किया, हर जिले में किस तरह से कार्यालय बनाए, हर जिले में किस तरह से कहा गया भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्रियों को कि आप जाइएगा जिला कार्यालयों में बैठिए, कार्यकर्ताओं के साथ बैठिए, और 365 दिन जिलों का भाजपा कार्यालय चार्जिंग कैपेसिटी में रहते हैं, चार्ज ही रहते हैं, उनका बैटरी चार्ज रहता है, वहां पे 100, 200, 300 कार्यकर्ता बैठे मिलेंगे। कांग्रेस के दफ्तरों में जाइए तो कार्यकर्ता क्या, वो बेचारा चाय पिलाने वाला भी वहां नहीं होता है। अब कांग्रेस का संकट यह है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ढूंढा जाता है कि कौन ऐसा अध्यक्ष ढूंढो जो 15-20 लाख रुपया महीना जेब से खर्च करके पार्टी चला ले। तो अब ऐसे में अखिलेश सिंह को ढूंढा गया कि भाई पार्टी का खर्चा नहीं है तो अखिलेश सिंह को लाइए। अब अखिलेश सिंह जो है वो कांग्रेस ही होने से ज्यादा लालू यादव के नजदीक है। अखिलेश सिंह के एजेंडा में बिहार कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करना कभी रहा ही नहीं, उनका स्ट्रॉन्ग करना रहा कि हम एडजस्ट हो गए राज्यसभा में और मेरा बेटा जो है लोकसभा का टिकट ले ले, बाकी कांग्रेस से क्या लेना देना, फिर किसी और दल में चले जाएंगे। तो सवाल यह है कि कांग्रेस के जो आपने परजीवी होने की बात बोली, 100% सत्य है, ये परजीविता जो आई है कांग्रेस के अपनी गलतियों के कारण है। लेकिन अब मैं एक लालू प्रसाद यादव के बारे में एक बात करना चाहता हूँ। लालू प्रसाद यादव अपने बहुत विकट दिनों में है, बहुत विकट समय में है। लालू यादव ने आज कांग्रेस के रोकने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो लालू यादव ने ऐसी ही गलती करी 1990 के दशक में, जब नीतीश को रोकने की कोशिश करी, रामविलास पासवान को किनारे लगाने की कोशिश करी, क्या हुआ, आज नीतीश कुमार बैठे हैं और 2 बार मजबूरी में इनसे समर्थन भी इनसे ले लिया। और आप ये देखिए कि लालू प्रसाद यादव अगर अपने सोशल जस्टिस के सिस्टम पे बहुत एग्रेसिव नहीं होते या एक कूटनीतिक ढंग से नीतीश कुमार की तरह ही चल रहे होते तो मैं समझता हूं कि देश में बड़े बड़े घोटालेबाजों को सजा नहीं हुई, लेकिन लालू यादव को चारों घोटाले में सजा हो गई। तो लालू यादव एलके आडवाणी को रोकने वाले नेता की यह हालत हो गई, नीतीश कुमार को आउट करने वाले नेता की यह हालत हो गई। मैं समझता हूं कि एलके आडवाणी उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी भारत के बन गए, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर भी बन गए। तो देखिए लालू प्रसाद यादव अगर यही नेगेटिव पॉलिटिक्स करते रहे कि अब हम कन्हैया को रोक देंगे, अब हम पप्पू यादव को रोक देंगे, तो देखिए वो फ्यूडलिज्म जो फैमिली पार्टी होती है वो थर्ड जनरेशन उसका एंड हो जाता है। आप भारत में सारा उदाहरण ले लीजिए, एनडीआर का ले लीजिए, फिर एक सिर्फ स्टालिन कैसी पार्टी है जो हाँ वो भी सेकंड जनरेशन ही चल रही है, करुणानिधि के बाद स्टालिन है, स्टालिन के बाद बेटा है, और थर्ड जनरेशन तक आते आते उनका भी वीक पोजिशन होने लगा है। इसी ढंग से आंध्र प्रदेश में आप देख लीजिए, जगनमोहन रेड्डी फर्स्ट जनरेशन है, पार्टी तोड़ के गए। नवीन पटनायक झेल रहे हैं, अल्टीमेट वो एक ब्यूरोक्रेट को पार्टी हाथ में दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि लालू प्रसाद यादव की सोचना होगा कि रीजनल पार्टियों की उम्र जो होती है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन जाती है तो बोल जाते हैं, क्योंकि फ्यूडल स्टाइल में चलती है पार्टियां, फैमिली की पार्टी होती है। अब आधा टिकट लालू प्रसाद यादव तो 20% टिकट तो अपने फैमिली में ही बांट रहे हैं। अब ऐसे में अगर वो कन्हैया कुमार को कितनी देर तक रोक पाएंगे, मैं समझता हूं कि ठीक है कांग्रेस अभी टिकट नहीं देगी लालू यादव के परिसर में, लेकिन कितने समय तक कांग्रेस इस स्थिति में रहेगी, क्योंकि अभी तो कांग्रेस कह रही है कि भाई एजेंडा में हमारे मोदी जी हैं, किसी ढंग से इनको सत्ता से हटाओ। अभी मान भी जाएंगे, मान लिया जाए कन्हैया कुमार को कि नहीं दें टिकट, और अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आ जाते हैं फिर क्या होगा, कन्हैया कुमार तो एक बार जेल हुआ है उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्या तेजस्वी यादव को जेल जाना ईडी की जांच में लालू यादव बर्दाश्त कर पाएंगे? ये एक कटु सच्चाई है जिसको हर राजनेता को समझना चाहिए। चौटाला साहब जेल जाए, चौटाला साहब के बेटे अजय चौटाला जेल जा आ पाए, लालू यादव खुद चारा घोटाला में जेल जा पाए हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब नरेंद्र मोदी जी को हटाना आपका लक्ष्य है, वैसे में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को टारगेट बना के आप इतना सीमित बुद्धि दिखा रहे हैं, इतना सीमित दायरे पे आप सोच रहे हैं कि भैया लार्जर इंटरेस्ट में एक तरफ तो कह रहे हो हम सेकुलरिज्म के लिए लड़ रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हो कि आप डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि जी ये 2 टिकट काट दो, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरे बेटे का चैलेंज बन रहा है। अरे आपके बेटे के चैलेंज वो नहीं है, चलिए आपके बेटे के लिए चैलेंज मोदी जी है, अगर सत्ता में आ गए तो क्या हाल करेंगे ये आप सोच लीजिए, ये आपके ऊपर बिल्कुल निर्णय करना है। बिल्कुल।